ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज के बिग बहुरिया वंदना जी, उनके पति देव शैलेश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और अभी बातें तो आपसे और भी करनी है, लेकिन उन बातों से पहले 17 सालों के खट्टे मीठे बातों की गहराइयों में उतरते हैं। चंद सवाल मैं आपसे पूछूंगा, चंद सवाल आपसे पूछूंगा, यानी यहाँ वक्त है मेडिमिक्स रिश्तों में निखार लाए राउंड का। शैलेश जी, सबसे पहले आपसे है मेरा प्रश्न। शादी से पहले जब मंगनी हुई थी, आप लोग फोन पे बातें करते थे, तो जो फोन पे बातें होती थी वो फोन आपने दिया था? जी नहीं। सही जवाब है? सही जवाब है। दूसरा सवाल, आपको कुकिंग का शौक है और आपने अपने हाथों से पहली बार इन्हें क्या बना के खिलाया? मटर। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, आपने वंदना जी को कोई जॉब सजेस्ट किया था या फिर खुद से इन्होंने कहा था कि मैं टीचिंग करूँगी? एक्चुअली जो सिचुएशन था उस समय, जो तुरंत मिल सकता था वो टीचिंग का ही जॉब था, तो इसलिए इन्होंने भी प्रेफर किया और हमने भी कहा कि ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का जॉब कर सकती हूँ। सही जवाब। हाँ बिल्कुल सही है। चौथा सवाल, शैलेश जी ये बताइए कि मनाली जाने का प्लान हनीमून के बाद डिसाइड किसने किया था? ये वंदना ने किया था। सही जवाब है। हाँ जी सही जवाब है। पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दोनों ने फर्स्ट टाइम एक साथ पहली तस्वीर कहाँ खिंचवाई थी? मनाली। सही जवाब है? नहीं, गलत जवाब। आप बताइए। दिल्ली में इनके भैया के घर पे खिंचवाए थे। तो एक जवाब आपका यहाँ गलत हुआ। अब आपकी बारी है। वंदना जी से मेरा पहला सवाल है, शैलेश जी का पसंदीदा रंग क्या है? इनका रंग, अगर ये मेरे लिए कोई ड्रेस लेते हैं तो रेड है, और अपने लिए कोई लेते हैं ड्रेस तो ब्लैक है। क्या ये जवाब सही? जी सही है। शैलेश जी ने आपको हाल में ही अभी कौन सा गिफ्ट दिया है? स्विफ्ट डिजायर। सही जवाब है। बिल्कुल। अगला सवाल वंदना जी, शैलेश जी आपकी कौन सी बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं? हाउस होल्ड वर्क में भी और मेरे हेल्थ में। शैलेश जी क्या ये जवाब सही है? जवाब गलत है। तो बताए, आप बताए आपके साथ। मैं इनका ख्याल रखता हूँ इनकी डिजायर का। तो ये जवाब हालांकि गलत है आपका, पर देखिए सुनने में कितना आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, सुनने में तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चले, तो एक जवाब गलत हुआ। चौथा सवाल, वो कौन सी चीज है जो इन्होंने दी आपको और उस चीज को पाकर आप बेहद खुश हुई? मेरा घर। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। क्या बात है। चले पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दीजिए मुझे। शैलेश जी आपके किस काम को अक्सर भूल जाया करते हैं? मायके ले जाना नहीं भूलते हैं, वो मायके टाइम पे ले जाना भूल जाते हैं। सही जवाब है। एक एक जवाब आप दोनों ने, जैसे होता है ना कि शगुन के तौर पे गलत किया है, कि एक एक गलत हो जाए ताकि कोई नजर ना लगे, बाकी चार चार जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही सही दिया है और खूबसूरती के साथ गाड़ी पटरी पे दौड़ रही है। शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, और एक निश्चल भाव के साथ आप इनके साथ लग गई और आदर्श बहुरिया की तरह आपने अपने घर को स्थापित किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ में, हमेशा ये ट्विनिंग हमेशा बनी रहे। और एक छोटा सा गेम मैं आप लोगों के साथ में खेलना चाहूँगा। तैयार हैं आप लोग? चलिए, गेम ये है कि किचन में इस्तेमाल होने वाले ये पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं, आप लोगों को 30 सेकंड के अंदर बताना है कि किस चीज़ से क्या क्या हम बना सकते हैं। जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी वो विनर हो जाएंगे। सबसे पहला मौका है शैलेश जी आपके पास, पर आपका 30 सेकंड स्टार्ट होता है अब। ये सूजी है जी, सूजी का हलवा बन सकता है, उपमा बन सकता है जी, चिल्ला बन सकता है जी, और ये आटा है, आटा से रोटी पराठा पूड़ी हलवा भी बनता है आटा का। ये बेसन है, बेसन का सब्जी हलवा, बर्फी, बुंदिया, लड्डू, ये सारी चीज़ बन सकती हैं। ये सत्तू है, सत्तू का पराठा बन सकता है, सत्तू ऐसे भी लोग खाते हैं जी जी, नमक के साथ सुबह में। और समय समाप्त हुआ, चार आइटम को टच किया आपने और आपने जो बताया वो है सूजी में 3 आइटम बताए आपने, आटे के साथ 4 आइटम बताया आपने, सत्तू के साथ 2 आइटम बताया आपने, और वो है बेसन, बेसन के साथ आपने तकरीबन 6-7 आइटम बताए जी। अब बारी आपकी है, आपका समय स्टार्ट होता है वंदना जी अब।
सूजी है, सूजी के साथ उपमा, पोहा, हलवा, चीला, आटा, आटा के साथ रोटी, पराठा, पूरी, हलवा, इससे भी बनाते हैं, बेसन से भी हलवा बनाते हैं, बेसन की मिसी रोटी बनती है, बूंदिया बनता है, कड़ी बनता है, पकौड़ी बनता है, बरी बनता है, ठीक है, मिठाइयाँ और बनती हैं, सत्तू का लिट्टी बनता है, सत्तू का पराठा बनता है और सत्तू को पीते भी हैं। मैदा से हम लोग कचौड़ियाँ बनाते हैं, पुआ बनाते हैं। और मैदे के साथ आप हो गए हैं विनर, क्योंकि आपने पांचों आइटम को टच किया है और ऑलमोस्ट जितने शैलेश जी आपने बताए थे उनसे कहीं ना कहीं बराबरी और आगे बढ़ के भी बताया आपने। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैंपर। सपने देखना अलग बात है, सपने दिखाना बहुत अलग बात है। जिस घर की भी बहुरिया अपने पति के साथ मिलकर अपने जीवन की एक प्लानिंग करे, सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए दोनों मिलकर प्रयास करें, उस घर में कामयाबी मिलनी ही मिलनी। कुछ ऐसी ही कहानी थी आज की बिग बहुरिया वंदना जी की। निश्चित रूप से इनकी बातें सुनकर आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए परिवार के साथ। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स, क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय। बहुरिया।